इनको गलत फहमी में डाला गया है कि जी आपके खिलाफ ये लोग बातें करते हैं, आपके खिलाफ ये करते हैं, वो करते हैं, इनको पकड़ो, इनको ऐसे करो वैसे करो। अल्लाह के हाँ साहब को हमने कहा कि हाँ साहब हमें आप इजाजत दें कि कम से कम हम अपना दिफा तो करें। बहुत अच्छा लगा। बंद बंद चल चल पे चल पे हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी की, हर हाल की ख्वाहिश थी। और हम सब अपनी दुबारे जा रहे हैं, किसी को उम्र हम सब में दुबारे चाहते हैं, थोड़ा ये भाई थोड़ा ये चाहते हैं। हाँ साहब वह देंगे लीडर जो कैद आलम रहमत अल्लाह के बाद आए थे और उन्होंने भी पाकिस्तान की आज़ादी दिलवाई। उसके बाद जो है इन्हें जो है ना गद्दारों ने गुलामी की तरफ ले लिया। अल्लाह जानता है हाथ साहब से मिला, झूठ बोलने वाले को लानत है। हाँ साहब हमारे साथ ऐसे थोड़ा ये भाई हमारी एक फैमिली है, यकीन करो ये हाथ साहब जो कहते हैं ना ये उसके अंदर गुरूर बड़ा है। वहाँ लोगों को कहता हूँ कि भाई किसी की बातों में मत आओ, हाथ साहब इतने अच्छे इंसान हैं, इस तरह हमारे साथ मिले। अब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हो सकते भाई कैसे हो सकते जो इनको गलत फहमी में डाला गया है कि जी आपके खिलाफ ये लोग बातें करते हैं, आपके खिलाफ ये करते हैं, वो करते हैं, इनको पकड़ो, इनको ऐसे करो वैसे करो। अल्लाह के हाँ साहब को हमने कहा कि हाँ साहब हमें आप इजाज़त दें कि कम से कम हम अपना दिफा तो करें। मैं लोगों में से यह दूंगा कि हाँ साहब एक अच्छे लीडर हैं और सदियों बाद ऐसे लीडर आते हैं। हाँ साहब की कदर करें और वो लोग जो इन पटवारी और गुलामों के खातों में आकर हाँ साहब को बुरा भला कहते हैं, यकीन करो ऐसा है कि जैसे हमने पाकिस्तान के लिए बुरा कहा। वो आदमी इतना अमीर है अगर वो बरतानिया अपनी बीवी के साथ चला जाता जमामा के साथ और उसकी चीज़ की कमी थी। ये जो कहते हैं घड़ी चोर, तुम जैसे चोरों को तो ये ऐसे ही हरी ले, तुम चोरी करिए क्या लेना।